किसी कोई परेशानी, एक बार खटाखट देख लो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके और आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, कुछ भी टाइम नहीं हुआ, बहुत बहुत आगे जाएगा टॉपिक तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं, रिपीटर से बहुत आगे तक चले जाओगे। बोलो इसमें कहाँ से शुरुआत की थी, फटाफट रिवाइज करो। चलो, क्वांटिटी मतलब वेरिएबल, कितने टाइप, इसका क्या मतलब, जैसे क्लियर है, लव बहुत जोर से बोल रहे। दूसरा नंबर टू बोलो, हाँ फिजिकल क्वांटिटी मतलब कौन कौन से, अच्छा ऐसे कितने क्वांटिटीज होते हैं, बहुत सारे, तो इसको पढ़ने के लिए क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो कितने क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया बोलो, डिपेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, कितने टाइप है, दो, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर होगी, मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर, जैसे कि दूसरा डिराइव्ड, क्या जितना लिखा है उतना ही पढ़ रहे हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर नहीं होती, डिपेंड्स ऑन टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्पीड जो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड है। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है, कितने टाइप है, पहला कौन सा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड, ये हाउ टू डिसाइड अ सेट ऑफ क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और नॉट, क्या लॉजिक है भाई, अंदर की कोई भी क्वांटिटी अगर बाकियों के कॉम्बिनेशन से मिल रही है तो वो फंडामेंटल नहीं है, और कोई भी किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं मिल रही है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो वो फंडामेंटल है। ओके, उसके बाद बोलो यूनिट, पढ़ो डेफिनेशन, उसको क्या बोलेंगे यूनिट, कितने टाइप है, पहला कौन सा, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड, कौन सा यूनिट, डिराइव्ड, ठीक है। उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट, जैसे मास ऑफ अर्थ इतना किलोग्राम है तो दैट इतना इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट, टाइम 25 सेकंड है तो 25 इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज यूनिट, रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट बोलो, पहला, दूसरा मतलब, तीसरा मतलब नॉन डिस्ट्रॉयबल, खत्म होना चाहिए क्या, नहीं, चौथा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, लंबा चौड़ा चलेगा क्या, नहीं, नेक्स्ट जरूरत के हिसाब से हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रूल्स टू राइट द यूनिट, पहला पढ़ो, तो फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल से शुरू होगा, कैपिटल से नहीं, भले ही वो किसी का नाम हो या कुछ भी हो, अगर सिंबल है किसी के नाम पर रखा गया है तो कैपिटल, बिना नाम वाला है तो स्मॉल। तीसरा पढ़ो, मतलब यूनिट का कभी प्लूरल नहीं होगा और यूनिट के आगे पीछे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहेगा। उसके बाद हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं, तीन, पहला बोलो मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका दूसरा नाम अवे, मेट्रिक सिस्टम, दूसरा सिस्टम मतलब फिर उसका कंफ्यूजन किसने दूर किया, उसका लॉन्ग फॉर्म, इन्होंने क्या क्या किया, लॉट्स ऑफ डिराइव्ड सेवन फंडामेंटल यूनिट्स पैटर्न में बोलेंगे, पहला परफेक्ट, दो सप्लीमेंट्री है, पहला उसका फॉर्मूला बोलो, यूनिट बोलो रेडियन, यूनिट क्या उसका रेडियन, दूसरा
सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, उसका यूनिट क्या है? स्टे रेडियन. उसके बाद लॉट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, पहला बोलो. अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये क्या है? हाँ रो, ये वाला रो नहीं, रो. ओके रो, हाँ बोलो. डीवी बाई डी टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. इधर कोई रीडिंग क्लास नहीं चल रहा है, जो लिखा है वो पढ़ रहे हो. चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. ये लीनियर का हो गया, एंगुलर. हाँ ये बहुत सताते हैं, अच्छे अच्छों को सताते हैं, इसलिए कंबाइन लिख लिया इसको. क्लियर है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको क्या बोलेंगे? पास्कल. जूल. क्लियर है? ठीक है. चलो सॉल्व करो. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनाइट इज नॉट बेस्ड ऑन मास, लेंथ एंड टाइम अलोन. ऐसा है, ये क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. इसका दूसरा नाम बोलो रे, गॉसियन. गॉसियन सिस्टम है, बराबर है? तो ये एलएमटी बेस्ड है, लेंथ मास टाइम. ये एफपीएस क्या है? ये ब्रिटिश सिस्टम. ये भी फुट पाउंड सेकंड, एलएमटी बेस्ड है. ओके अच्छा, ये मेट्रिक सिस्टम है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड. तो ये भी एलएमटी पे बेस्ड है. तो कौन सा नहीं है? ऐसा है, ठीक है. ज्यादा डिफिकल्ट सवाल एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करो. ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आएंगे, कितने आएंगे? 2 से 3 आएंगे. तो उन चक्कर में बाकी 43-45 एमसीक्यू हम क्यों खराब करें? समझ आ रहा है? तो उसका लोड नहीं लेने का, इजी इजी सवाल आएंगे हमारे काम के. देखो हमें ना 40 एमसीक्यू एक्यूरेट सॉल्व करने हैं, समझ आया? हमारे लिए 40 एमसीक्यू है. तो जो ऊपर के 5 एमसीक्यू है उसका टेंशन ही नहीं लेना. आ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए उससे भी अच्छी बात है, फालतू में निगेटिव नहीं होगा. समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे. क्लियर है? ये बोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूनिट. एक बात समझो, एक बात समझो, नोट ध्यान से समझना. कुछ चीजें ना हम सवाल के जरिए सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सवाल के जरिए सीखेंगे, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंट होंगे. एक चीज होती है जिसको बोला जाता है ग्रेडियंट. ग्रेडियंट, अब हर ग्रेडियंट को हम याद नहीं रख सकते, तो ग्रेडियंट को ही याद रखेंगे. ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ. ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? पर यूनिट लेंथ. अब बहुत ग्रेडियंट होते हैं, बहुत ग्रेडियंट होते हैं. यहाँ पे 4 ग्रेडियंट लिखे, चारों के डेफिनेशन बताता हूँ. पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट. पहला क्या बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो वेलोसिटी बाय लेंथ. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, लेंथ का मीटर. तो मीटर मीटर कैंसिल, यूनिट क्या आ गया? पर सेकंड. क्लियर है? चल दूसरा बोल. प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाय लेंथ. प्रेशर बाय लेंथ. तो ये कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं. अब प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया. अरे मानता है कि नहीं? फोर्स बाय एरिया बाय लेंथ. अच्छा फोर्स क्या होता है?
मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया नीचे आ गया, लेंथ भी नीचे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करना। मास का यूनिट बोल, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। तो मीटर मीटर कैंसल, क्या आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट। तीसरा डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, लेंथ का भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो यूनिट ही नहीं आया। ओके चौथा फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। बता फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय लेंथ। ऐसे करके पड़ेगा ना, दिमाग पे लोड नहीं आएगा। मास का यूनिट बोल किलोग्राम, एक्सेलरेशन बोल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ बोल मीटर, मीटर मीटर कैंसल, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल सवाल पढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूनिट लेस डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। क्लियर है? ग्रेडियंट समझा? पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? चलो ठीक आगे बढ़ो। हाँ, द रेशियो ऑफ 1 micron to nanometer। ध्यान से सुनो बेटा, अब ना हर साल हम वो बड़ी सी स्केल लिखते हैं, उसमें की दो चार चीजें यूज होती है, लेकिन उतना सारा रट्टा मारते बैठते उसकी कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर यूज वाली चीजें बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सर मेरे को ना किलोमीटर बहुत बार यूज हुआ है। किलोमीटर क्या होता है? 10 to the power 3 meter, सबको आता है। दूसरा मिलीमीटर, मिलीमीटर 10 to the power -3 meter। अच्छा सेंटीमीटर 10 to the power -2 meter, आता है कि नहीं? उसके बाद माइक्रोमीटर, अरे आता है कि नहीं? ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन्स 10 to the power -6 meter। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तुमको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ना तो बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो इसकी। माइक्रोमीटर 10 to the power -6 meter। और बता पीकोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 to the power -9 meter। उसके बाद पीकोमीटर 10 to the power -12 meter। उसके बाद कई बुक में फर्मी लिखा है, कई बुक में फेमटो लिखा है। फर्मीमीटर 10 to the power -15 meter। ठीक है? अच्छा अपने काम की चीज, इलेक्ट्रोपिक्टो नहीं लिखने का, ध्यान से सुनो। अब बड़े में अगर जाएंगे तो किलो तक ठीक है, चलो छोड़ो उसकी जरूरत नहीं। अच्छा अब जब हम एटम की बात करेंगे, आइटम की नहीं एटम की, ओके तो एटम की बात करेंगे तो ये एटम का साइज होगा, एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस की बात होगी। ओके तो ये जो एटम का साइज होगा ये होगा 10 to the power -10 meter, मानते होगी नहीं? ये वाली चीज कितनी होगी? 10 to the power -10 meter। इसी को बोलेंगे एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ भी इसी में गिनते हैं, एंगस्ट्रॉम का सिंबल कुछ ऐसे होता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? सब डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में फीड होनी चाहिए। और जब न्यूक्लियस के साइज की बात करेंगे तो 10 to the power -15 meter आएगा, इसी को क्या बोलेंगे? फर्मी मीटर। माइनस 15 बड़ा कि माइनस 10 बड़ा? माइनस 10, 1 lakh times। वो एक्सपेरिमेंट था ना बोहर का, क्या किसका, देखेंगे उसका नंबर आने पर। ठीक है ये सारा डेटा फीड हो गया, चलो अब आ जाओ सवाल पे। रेशियो ऑफ 1 micron, 1 micron मीन्स माइक्रोमीटर, अरे समझा कि नहीं, डिवाइडेड बाय 1 nanometer, नाना का मीटर नहीं नैनोमीटर, बोलो नैनोमीटर मतलब nm। बता भाई माइक्रोमीस -6 meter, नैनोमीस मीटर से मीटर कैंसिल, -9 ऊपर जाके +9, तो 10 to the power 9 इंटू 10 to the power -6, 9 में से 6 गए 3, समझा कि नहीं? 10 to the power 3, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी कुछ है क्या? नहीं। क्लियर है? कुछ डाउट? ये बहुत अच्छा सवाल है, वेलोसिटी ऑफ अ वुड, सॉरी डेंसिटी ऑफ वुड इतना है, व्हाट इज सीसी? चौधरी कोचिंग क्लासेस, नहीं सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है, ये सीजे सिस्टम का यूनिट है, इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताना है एमकेएस में। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ध्यान से सुन बेटा, 1 kilogram में, बातें मत कर बेटा औरतों की आदत होती हो, मैं इधर देखूं इधर कोई तो भी बात कर रहा है। ओके 1 kilogram कितना होता है? ये 1000 gram, 1 kilogram इज 1000 gram, तो 1 kilogram ध्यान से समझ 10 to the power 3 gram। तो बेटा 1 gram अगर लिखना है तेरे को, याद ये रखने से बेटर ये याद रख, तो +3 इधर आके -3, 10 to the power -3 kilogram, ये ज्यादा यूज होगा, ये ज्यादा यूज होगा। इसको रट लेना, समझ लेना, जो करना है कर ले, लेकिन ये आना चाहिए। 1 gram में 10 to the power -3 kilogram होते। सेम टॉपिक चलेगा मीटर के साथ, 1 meter इज 100 centimeter। बात समझ आ रही? हर छोटी छोटी स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन।
वन मीटर इज इक्वल टू 100 मीन्स 10^2 सेंटीमीटर, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। तो ये प्लस टू इधर आके माइनस टू, ये बहुत यूज होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, बता कोई तकलीफ नहीं। तो सेकंड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेकंड इको फ्रेंडली क्वांटिटी है, सब में उसका यूनिट सेकंड ही होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, 0.5 ग्राम पर सीसी को क्या लिखेंगे, 0.5 ग्राम पर सीसी में सेंटीमीटर का क्यूब। देख तू ना फंडामेंटल चीजें ध्यान से सीख ले कैसे यूनिट के साथ खेला जा रहा है। अब ना इसको एमकेएस में करना है तो ग्राम के जगह किलोग्राम लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर के जगह मीटर। तो 0.5 को 0.5 ग्राम का किलोग्राम 10^-3 किलोग्राम। तो ब्रैकेट को डिस्टर्ब मत कर, इसको रहने दे क्यूब, अंदर जो सेंटीमीटर है उसके साथ खेल। सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर, समझा? अब यहाँ पे रूल्स ऑफ इंडाइसिस चलेंगे, इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस प्लस खेलते मत बैठ, वो रूल्स ऑफ इंडाइसिस, a^m, a^m (n). तो क्या आएगा बेटा ये 0.5 10^-3 किलोग्राम, ये -2 × 3 - 6, बच्चे इसको -8 लेते। अब ऐसे को क्या फिजिक्स पढ़ाएंगे यार, ओके? -2 × 3 - 6, अबे रूल्स ऑफ इंडाइसिस सॉल्व होगा, -6 × मीटर का क्यूब। आ गया ये एमकेएस, अब इधर जो आएगा वो कर लेना, -6 ऊपर जाके +6, 6 में से 3 गए 3, कितने आ गए 3, समझा कि नहीं? -6 ऊपर जाके +6, 6 में से ऑलरेडी -3 है, 6 में से 3 गए 3। तो बेटा बच्चा क्या 0.5 पॉइंट है, इस कारण में कितने भी जीरो लिख सकता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऊपर कितना बचा 10^3, समझा कि नहीं? -6 ऊपर जाके +6, 6 में से 3 गए 3। अब +3 है ना तो पॉइंट आगे जाएगा, बढ़ेगा, +3 मतलब 3 से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा तो 1, 2, 3, तो कितना 500। ये बात क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, ये देखो, चलो ये सॉल्व करके बताओ। अच्छा इसके लिए ना डेटा बताना पड़ेगा, ठीक है भाई? ये देखो 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 आराम से देखो, मैंने पहले ही बताया कुछ चीजें मैं सवाल में सिखाऊंगा, वो चीजें यहां सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो क्या होता है, ये ना इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, इलिप्स में सेंटर नहीं होता, इलिप्स में फोकस होते हैं। मान लो यहां पे सन है, सन मतलब सूरज, ओके, और ये अर्थ इसके अबाउट घूम रही है इसे। तो बेटा हर पॉइंट पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अलग अलग है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अलग अलग, बिकॉज द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, ऑर्बिट इज इलेप्टिकल। तो ये क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, सबका एवरेज, ओके, सबका एवरेज मतलब ये डिस्टेंस ले लेंगे R1, फिर यहां अगर होगा तो इसका ले लेंगे R2, ऐसे सब डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाएंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे R3, ऐसे पूरे डॉट 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 ऐसे करके RN, ये आखिरी पोजिशन है, मतलब हर एक पोजिशन कैलकुलेट करेंगे RN, ओके। तो ऐसे सभी डिस्टेंस का एवरेज लिया जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा, R1 + R2 + RN / n। सिंपल एवरेज, तो इस एवरेज का नाम रखेंगे ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम रखेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझे? क्या रखेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलेंगे? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसमें स्लाइड ऐड कर सकते हैं क्या? हम नहीं ऐड कर सकते। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, इसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इस पे भी उसी का काम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और याद रखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10^11 मीटर। ये तू रट लेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं रटेगा तो अपने हिसाब से देख लेना भाई, आंसर तेरे सामने होगा, तेरे को सिर्फ डिसाइड करना है। रटेगा मेमोरी अच्छी है रट लेने, तो फिर दिमाग में रहने दे कि देखने के बाद याद आना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल = इतना मीटर आ गया, क्लियर है? अब इसके बाद जो बात होगी वो होगी लाइट ईयर की, किसकी होगी? लाइट ईयर की। नॉर्मली ईयर टाइम का यूनिट होता है, लेकिन लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इतना याद रखो। लाइट ईयर जो है इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं ना वो इसमें गिने जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग वन ईयर मतलब बहुत ज्यादा, एक साल में वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने डिस्टेंस को बोलेंगे वन लाइट ईयर। लाइट ने वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको बोलेंगे वन लाइट ईयर। तो बेटा तेरे को पता है सी कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, वन लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो लाइट की ले रहा है, टाइम